तो सभी साथियों का फिर से हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत होने वाला है। एंड इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे मिसिंग डालते ही प्रोडक्ट और पैसा मिलेगा, बट कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और यहाँ पर वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक के ऊपर या किसी और रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं आप प्रोसेस की ओर। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर जैसे हम अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ऑर्डर वाला सेक्शन मिलता है। इसके ऊपर ही हमको यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है जिसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमको प्रोडक्ट और पैसा लेना है, मतलब कि प्रोडक्ट भी हम रखेंगे और पैसा भी, बट किस प्रकार करेंगे तरीका बता देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पर रिटर्न वाला जो ऑप्शन होता है उस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आएंगे, जिसके अंदर क्वालिटी का भी हो सकता है, डिफरेंट साइज का भी हो सकता है, प्रोडक्ट डैमेज का भी होता है। एंड यहां पर और इसके अंदर अब आपको प्रोडक्ट और पैसा लेने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन ट्राई करना है जिसका नाम है यहाँ पर प्रोडक्ट इज़ मिसिंग इन द पैकेज। तो इस प्रोडक्ट वाले ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बॉक्स के जरिए भी समझाया गया है, मतलब बॉक्स खाली है उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बताया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन निकल कर आएंगे, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा एसेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। तो यहाँ पर यहीं पर मात खा जाते हैं बहुत लोग, तो वो गलती कर जाते हैं जिसके अंदर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको प्रोडक्ट भी रिटर्न करना पड़ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मिलेगा एसेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पर बोला है एसेसरी। अब एसेसरी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपने प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोडक्ट मंगाया है या छोटा प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जिसमें से आप मान के चलिए आपने दो स्लीपर वगैरह मंगाई हैं, उसमें से एक स्लीपर है नहीं, तो उसको कहते हैं एक आइटम गायब होना। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, एंड उस कंडीशन में आप एसेसरी बोल सकते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट हमको मिला ही नहीं बट आपको मिला है, बट आप उसको बोल सकते हैं कि एसेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। तो ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आपको एक आइटम वापस करना पड़ेगा। बट अगर आप कहते हैं आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम, मतलब हमारा पूरा का पूरा आइटम ही गायब हो चुका है, तो आप इस रीज़न को सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। तो इसी रीज़न को हम आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम, इसी रीज़न को सेलेक्ट करके आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने वही वाला रीज़न सेलेक्ट करके हम आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद हमारे पास आ चुका है कमेंट डालने का ऑप्शन। अब कमेंट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, इसी आइटम को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है सिंपल। और यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने का बोला जा रहा है, मतलब कि आप फोटो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप पहले 2 MB का बोला जाता था, बट आप 3 MB तक फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 3 MB तक का फोटो आप सिंपली अपलोड कर, यदि प्रोडक्ट बड़ा है तो आप 3-4 से अधिक फोटो दे सकते हैं, बट उसका MB थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा तब आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से क्लियर फोटो देनी है और साफ सुथरी होनी चाहिए, एंड आउटर इनर दोनों पैकिंग आपको यहाँ पर सही से फोटो डाल देनी। तो यहाँ पर सिंपली इतना करने के बाद हम आगे वाले प्रोसेस के ऊपर पहुँच लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यही वाली चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। यदि आप इस रिस्क को यहाँ पर लेना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ लेना है तभी आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बोला जाए लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी इसके टीम आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचाया है, जो जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और यहाँ पर आपसे भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा क्योंकि आप भी इसमें एक हिस्सेदार हैं। अब यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आपका प्रूफ वगैरह मांगा जा सकता है और कम से कम 12 बिजनेस डेज, मतलब 12 दिन का टाइम लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं कितने रुपए तक का प्रोडक्ट करें, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम 200, 300, 400 इतने वाले प्रोडक्ट के ऊपर करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ज़्यादा बड़ा महंगा प्रोडक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल भी ना कीजिए। आई एग्री पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको रिफ़ंड का ऑप्शन बताया जाएगा, रिफ़ंड आपका यहाँ पर इंस्टेंट पहले ही क्रेडिट किया जाएगा एंड प्रोडक्ट आपसे बाद में पिकअप किया जाएगा। भले आपने मिसिंग बोला हो, भले आपने एसेसरी बोला हो, आपका प्रोडक्ट पिकअप होकर रहेगा क्योंकि कुरियर बॉय ने आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट दिया हो, भले मिसकिंग ही सही, मिसिंग के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ आइटम दे के गया है तो उसको वैसे ही दे देना है उसको वापस, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ थी जो आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कैसे करें। यदि आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो सिंपल तरीका बताऊंगा, एंड चलते हैं ट्रेडिंग एप्लीकेशन की ओर।
तो जैसे कि देख सकते हैं हम ट्रेडिंग वाले एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का ग्राफ चल रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको इस ग्राफ को ध्यान से देखना है एंड इसको सिंपली जूम कर लेना। यहाँ पर ग्राफ की डंडी के अनुसार ही आपको काम करना है। जब आपको लगे ग्राफ आपका नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर पुट के ऊपर क्लिक करना। यदि आपको लगता है आपका ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो कॉल के ऊपर सिंपली क्लिक करना। तो हमको लगता है हमारा ग्राफ नीचे आएगा तो हम नीचे के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ग्राफ नीचे की जाने के बजाय हमारा ऊपर की तरफ उठ गया। बट हमको लगता है हमारा ग्राफ अभी नीचे आएगा, फिर से हम नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो जैसे कि देखेंगे शायद हमारा ग्राफ अभी भी नीचे नहीं आया, तो हमारा लॉस फिर से हो चुका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ग्राफ को हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए रखिए ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।